ढूंढोरे मौका ढूंढोरे अंबर जमी पे लाए हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए ढूंढोरे मौका ढूंढोरे छत पे चढ़ो जो खुद ही तो हुनरबाज तैयार हैं आप योर टाइम इज अप हर दम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के आजा मचल के आजा तू कर ले आ कर ले तू आगाज हुनरबाज हे हे हुनरबाज हम है हुनरबाज आजा हुनर दिखा दे आज हुनरबाज हे हे हुनरबाज हम है हुनरबाज स्किल टू विन Hunnarbaaz Skill to Win, co-sponsored by Margo Glycerine. सिद्धार्थ जी, अक्सर मेरे ज़हन में ये सवाल उठता है, पुराने ज़माने में जब टेलीविज़न नहीं होता था, तो लोग अपना टाइम पास कैसे करते थे? अरे रुका जी, मेरी उम्र देख के आप ये मुझसे सवाल पूछ रही हैं? नहीं नहीं, इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ. लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे थे एक जमाने में तो रेडियो का जमाना था. रेडियो पे गाने, रेडियो पे क्रिकेट, रेडियो पे न्यूज. अब ये मत पूछिए कि मेरे फादर के जमाने में लोग टाइम पास कैसे करते थे, लेकिन फिर भी दादी नानी की कहानियाँ ये सबके मन को बहलाती हूँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. पर मैं आज जिस मुद्दे पे रोशनी डालना चाह रही थी वो ये कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जीवन का कितना अहम हिस्सा बन गया है. पर रेणुका जी, मेरा एक सवाल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक बार खराब हो जाते हैं ना, तो बस बंद हो जाते हैं. अब आप देखिए, वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोने के काम में आता है, अगर वो खराब हो जाए तो क्या करेंगे आप उसके साथ? शायद आपने गर्मी के दिनों में पंजाब की यात्रा नहीं की सिद्धार्थ जी. जो वॉशिंग मशीन पुरानी हो जाती है वहाँ के दुकान वाले उसे लस्सी बनाने में यूज करते हैं. रिपेयर और रीयूज का इस देश से अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा? हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? इसी तर्ज पे चलिए देखते हैं आज का ये एपिसोड जो इलेक्ट्रॉनिक रीयूज और रिपेयर को एक नए उजाले में पेश करता है. आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अनेक अवसरों के बारे में. HCL के फाउंडर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर स्किल काउंसिल NSDC के चेयरमैन अजय चौधरी से होगी हुनर की बात. किस तरह के हुनर सीखने से आपको नौकरी तो जरूर मिल ही जाएगी, आप नौकरी भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरों. साथ ही देखिए बच्चे कैसे सीख रहे हैं मस्ती मस्ती में रोबोट्स बनाना, और देखिए कौन निकलता है बाहर हुनर की बाजी के चक्रव्यूह से. हम आ चुके हैं लेवल 2 पर और यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है. कॉम्पिटिशन का सबसे बड़ा हुनरबाज है. हुनर के मंच पर एक और कामयाब कहानी लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने. एक ऐसी कहानी जो हम सबके जीवन का हिस्सा है. एक ऐसा हिस्सा जिसकी वजह से हम आपसे बातें कर रहे हैं. एक ऐसी कड़ी जो आपको हमसे जोड़ती है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के सर्वशक्तिमान की. जी हाँ, यानी कि संचार की, यंत्रों की तथा ओमनीपोटेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की. आज का हमारा एपिसोड है इसी सर्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पर. अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए साधन सभ्यता के विकास के साथ विकसित होते चले गए, लेकिन जब यही बात मीलों दूर बैठे किसी अपने तक पहुंचानी हो तो कई कोशिशों के बाद हमने इजाद किया टेलीफोन. उसके बाद प्रगति को एक नई उड़ान मिली. हमारे देश में ही आज लगभग 90 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब अगर घरों में भी देखो तो इतने आजकल इक्विपमेंट हैं, एक ही घर में 2 टेलीविजन सेट होते हैं, 2 रेफ्रिजरेटर होते हैं, कई एयर कंडीशनर होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं. अब ये स्मार्टफोन इटसेल्फ इज लाइक अ मिनी कंप्यूटर. आपकी गाड़ी में भी इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है. तो हमको लोगों की जरूरत है जिनको हम स्किल कर पाएं. चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कई हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है. दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती इस इंडस्ट्री ने अपने साथ कई सब इंडस्ट्रीज को भी जन्म दिया है.
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो यस, टेलीकॉम कंपनीज जो है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप जा सकते हैं। किसी भी शहर या गांव में भी आप बस एक निगाह फेरेंगे तो आपको मोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स के शॉप दिख जाएंगे। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में शुरू हुई इस इंडस्ट्री में आज एस्टैब्लिश्ड कंपनियां भी शामिल हैं। अब जैसे HCL टेक्नोलॉजीज को ही लें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ये कंपनी आज हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग में भी उतनी ही व्यस्त है जितनी की सॉफ्टवेयर में। इसके कई प्रोग्राम्स के तहत ये न सिर्फ लोगों को रिपेयरिंग के लिए ट्रेन करती है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में इसने कई कंपनीज के साथ टाई अप करके काफी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट की रिपेयरिंग भी शुरू कर दी है। हम लोग ये चाहते थे कि हम जो भी चीज बेचे उसको सर्विस भी कर पाए, बट धीरे धीरे हमने सोचा कि अगर हम अपने लिए भी ये कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी डू इट फॉर प्रेस्टीजियस कंपनीज लाइक फिलिप्स, सैमसंग, ब्लैकबेरी, सो वी आर डूइंग रिपेयर्स फॉर बजाज इलेक्ट्रिकल, तो उन सारी कंपनीज का हमने रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी। रिपेयरिंग इंडस्ट्री की इस समृद्धि के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लगातार बदलती टेक्नोलॉजी के कारण हम इंस्ट्रूमेंट्स फेंक नहीं सकते, बल्कि उसे अपग्रेड कर देते हैं। अब जबकि रिपेयरिंग एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इंडस्ट्री की शक्ल ले चुका है, जरूरत और गुण के हिसाब से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। आप अपने सामर्थ्य और स्थिति के हिसाब से अपना गुण विस्तार कर सकते हैं और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट निर्धारित कर सकते हैं। हम देखते हैं कौन से टेक्नीशियन का क्या रोल होता है। टेस्टर्स, इनका काम होता है प्रोडक्ट को टेस्ट करना। ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिस यूज के लिए बना है उस हिसाब से प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, कहीं इसमें कुछ कमी रह गई तो उसे वापस डेवलपमेंट टीम के पास भेज देते हैं और यदि सही है तो आगे पास कर देते हैं। शुरुआत आप 7 या 6 हजार से कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्किल्ड होते जाते हैं, आप 8, 9, 10 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ लेवल पे, ये आपको सैलरीज मिल सकती है। प्रोग्रामर्स, इनका काम होता है कोड्स डिजाइन करना जिनके मार्फत डिवाइस फंक्शन करती है। जैसे आप मोबाइल फोन पे से किसी को कॉल करने के लिए कोई की दबाते हैं तो इन्हीं कोड्स के जरिए डिवाइस ये समझता है कि किसी को कॉल करना है, तब आपका कॉल सामने वाले तक ट्रांसफर होता है। रिपेयर टेक्नीशियन, इनका काम होता है आपके डिवाइस में आ रहे इमीडिएट प्रॉब्लम को दूर करना। एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद ये इतने ट्रेंड होते हैं कि आपको आपकी समस्याओं से निजात दिला सकें। इन्हें हम ITIs, इन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम कर सकते हैं जो हर एक शहर हर एक राज्य में उपलब्ध हैं। और अगर कुछ हम नाम कहें तो ITI जो औंध में है, मुंबई में है, सेंट जोसेफ्स ITI है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, या फादर एग्नल्स हैं, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप ये कोर्सेस कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियंस मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ये आपके घर आकर आपको डिवाइसेस के बारे में एक डेमो देते हैं, या अगर आपके फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरा करते हैं। इनके लिए भी कई कोर्सेज जनरेट किए गए। ये कोर्सेज आप 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, जनरली ITIs जो है वो 10वीं के बाद जा सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कोर्सेज जो ITIs में अवेलेबल हैं वो आप 8वीं 9वीं के बाद भी कर सकते हैं। 8वीं पास धर्मेंद्र जल्द ही जिंदगी की सच्चाई से रूबरू हुए और हुनर के सहारे ही इसे पार पाए। स्किल हो तो जिंदगी आड़े वक्त में भी सीधा रास्ता दिखा सकती है, ऐसी ही कहानी है HCL के धर्मेंद्र की। और मेरे घर पे मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, वाइफ हैं। मेरे पापा रिटायरमेंट होने के बाद कुछ नहीं करते, सारा कुछ जो बाहर है वो खाली मैंने ही संभाल रखा है। ITI करने के बाद जब मेरा HCL में सिलेक्शन हो गया, मैंने सोच रखा था कि मेरे को आगे जाके इंजीनियर बनना है। अब मैंने इस काम को यहाँ पे आके बाखूबी सीखा और समझा। बैसाखियों का सहारा लेकर चलने वाले धर्मेंद्र ने जिंदगी में हुनर को अपना हथियार बना लिया है। अपना हुनर निखार कर धर्मेंद्र ने जिंदगी को नई राह दी है। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिले हैं दिखी। जो बंदे ऐसी जिंदगी से हताश हो जाते हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जिंदगी बहुत अच्छी है, इस जिंदगी को खराब ना करें, सही तरह
देता है। आपके हुनर और जज्बे को अभिनंदन, जो औरों को जीने की राह दिखा रहा है। वो कहते हैं ना, मजबूरी में जो राह दिखाए, मायूसी में उम्मीदों के फूल खिलाए, उसको कोई बांध ना पाए, उसको कोई बांध ना पाए। जो बाजी लगाने वाले होते हैं उन्हें बांधना कठिन है। कितनी कठिनाई आती है हमारे कॉम्पिटिटर्स को जानेंगे हुनर की बाजी में। आज मैं हूँ मोबाइल फोन्स के डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम के साथ यहाँ HCL केयर में, और यहाँ हम देखने वाले एक ऐसा कॉम्पिटिशन जहाँ ये एक्सपर्ट्स मोबाइल फोन्स की सारी बीमारियों को, सारे फॉल्स को एकदम दूर कर देंगे। और हमारे साथ है कॉम्पिटिशन के मेंटर मिस्टर राजेश। Hi, Principal. Welcome to the show. Thank you, Principal. और इस टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रवीण, मुकुल, धर्मेंद्र, निखिल और अंजलि। इनके सामने दो टास्क हैं। पहले टास्क की दो कड़ियां हैं, जिसमें एक में इन्हें 5 मिनट के अंदर मोबाइल फोन डिसेंबल करना है और फिर अगले 5 मिनट में इन्हें असेंबल करना है। दूसरे टास्क में सारे प्रतियोगियों को अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इन्हें अगले 20 मिनट में इन प्रॉब्लम्स को पहचान कर इनका सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्पिटिशन। इनका समय शुरू हो चुका है और इसके साथ सभी हुनरबाज लग गए हैं अपना अपना मोबाइल खोलने में। मोबाइल में कई छोटे छोटे स्क्रूज को खोलना होगा और खोल के मोबाइल के पुर्जे को अलग अलग करना होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन पुर्जों के साथ कोई टूट फूट ना हो जाए। नाजुक मामला है। ये खुले हुए सारे सामान सलीके से रखें ताकि असेंबल करते वक्त आसानी हो। और लो, प्रवीण ने तो खत्म भी कर दिया। बाकी कंटेस्टेंट्स भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। प्रवीण के साथ साथ धर्मेंद्र और मुकुल ने भी अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। भाई वाह, समय रहते ही बाकी बचे हुए हुनरबाजों ने भी अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। हमारे मोबाइल फोन्स की कैसी हालत हो गई है डिसेंबलिंग के बाद? आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खोले गए हैं। अब इनको वापस हमने असेंबल करना है। सो इनको असेंबल करने से पहले मैं आपको दो लोगों से मिलाना चाहूंगा। ओके। सो मैं बुलाना चाहूंगा हमारी HR डिपार्टमेंट से एंड हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट डिपार्टमेंट से। हेलो, ये नेहा है जो हमारी HR डिपार्टमेंट से है एंड ये मोनिका जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट डिपार्टमेंट से। हेलो। सो ये दोनों लोग इनको पूरी तरीके से जज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। और अब शुरू हो चुका है टास्क का दूसरा भाग, जिसमें इन खुले मोबाइल्स को असेंबल करना है। सभी कंटेस्टेंट्स फुर्ती दिखाते हुए जुट गए हैं काम पर, लेकिन मोबाइल में कुछ पुर्जे काफी नाजुक होते हैं जो उन्हें ध्यान से लगाना होगा। प्रवीण ने डिसेंबल तो सबसे पहले कर लिया था, क्या वो असेंबल करने में भी बाजी मार पाएंगे? और जजेस की पैनी नजर उनके ऊपर बराबर बनी हुई है। जजेस देख रहे हैं कि कौन टूल्स का न केवल सही इस्तेमाल कर रहा है बल्कि पुर्जों को सही ढंग से हैंडल कर रहा है। प्रवीण इस टास्क में भी सबसे आगे हैं, वहीं धर्मेंद्र उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुकुल भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब वक्त बहुत कम बचा है, जरा जल्दी हाथ चलाओ दोस्तों। तीन, दो, एक, स्टॉप। तो यहां खत्म होता है इस कंपटीशन का लेवल 1। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। टास्क के दूसरे भाग में मोनिका सभी हुनरबाजों को मैकेनिकल फॉल्ट वाला मोबाइल दे रही हैं और उनको 20 मिनट में मोबाइल का फॉल्ट पता लगाकर ठीक करना होगा। यस। सबने अपने अपने मोबाइल फोन्स के चेहरे देखे और ये तो देखते ही समझ गए। प्रवीण ने तो ताबड़तोड़ मोबाइल खोल ही डाला। धर्मेंद्र, प्रवीण और मुकुल ने तो लगता है फॉल्ट ढूंढ भी लिया। निखिल को भी आखिर पता चल गया है। अंजलि कुछ परेशान लग रही हैं और लगता है अभी तक उनको फॉल्ट का पता नहीं चला है।
क्या आपको लगता है पूरा कर लेंगे? श्योर। हाँ, आपने फॉल्ट आइडेंटिफाई किया है कि क्या फॉल्ट है? अभी कर रही हूँ। कर रही हो, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। ओके। चलिए, थोड़ी देर से ही सही लगता है अंजलि को फॉल्ट का पता चल गया। जरा जल्दी कीजिए, वक्त फिसलता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। प्रवीण, फॉल्ट मिल गया आपको। क्या फॉल्ट था? रिंगटोन नॉट वर्किंग। रिंगटोन वर्क नहीं करी। मुकुल, आपने फॉल्ट फाइंड किया? Yes. क्या इशू था? नो इंफॉर्मेशन। धर्मेंद्र, आपको क्या प्रॉब्लम मिला? कैमरा नॉट वर्किंग। निखिल, आपको फॉल्ट मिला? नो चार्जिंग। आपको मिल गया प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया। क्या इशू था? इसमें पेपर लगा हुआ था कॉलिंग सेंटर में। ओके। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने न सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है पर उसे फिक्स भी कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ खत्म होता है इस कॉम्पिटिशन का लेवल 2। तो चलिए, अब वक्त है ये जानने का कि कौन बनता है इस कॉम्पिटिशन का असली हुनरबाज। तो राजेश, हमें बताइए कि कौन है इस कॉम्पिटिशन के विनर्स। तो आज का हमारे कॉम्पिटिशन का सबसे बड़ा हुनरबाज है प्रवीण नायर। प्रवीण ने टास्क के दोनों लेवल्स को न सिर्फ सबसे पहले खत्म किया बल्कि टूल्स और पार्ट्स की हैंडलिंग भी बखूबी की और हुनर की बाजी जीत के प्रवीण बन गए हैं हुनरबाज। हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। अगर जज्बे को सही दिशा मिले ना तो इंसान के लिए कुछ भी मुमकिन है। जी हाँ, और अगर ये सही दिशा एक अनुभवी शिक्षक दिखाए तो बात ही कुछ और है ना? बिल्कुल। तो चलिए, मिलते हैं आज के हमारे मार्गदर्शक अजय चौधरी जी से। अजय चौधरी, जो HCL के फाउंडर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर स्किल काउंसिल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अजय जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इतना बड़ा विषय है और उतना ही बड़ा है प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का इस सेक्टर। जी हाँ। इतना बड़ा होते हुए हमारी इतनी समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है कि बहुत दिनों तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एरिया को छोड़ दिया था बीच में और IT पे ज़्यादा फोकस रहा, सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस रहा, हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स पे कम फोकस रहा है कंट्री का। एक आम आदमी के लिए बताइए कि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अहम फ़र्क क्या है? बेसिकली अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उसको IT बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर जाता है और जो कंप्यूटर इटसेल्फ है वो हुआ हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दिमागी सिलसिला इसमें नहीं है, इसमें हाथों का हुनर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हाथों का हुनर है इस एरिया में। अगर आप हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। जी। पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें हुनर की ज़्यादा ज़रूरत है। जी। और इसलिए इसमें जो नौकरी है उसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि करीब 65% जो है वो इम्पोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे क्या है हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो नौकरियां हैं वो चाइना चली जाती हैं। उसको बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी आई है, उसमें काफ़ी नए नए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक चिप जो होता है, जो सेमीकंडक्टर चिप होता है, वो तो सब प्रोडक्ट में होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। उसका अभी अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है और 50,000 करोड़ के 2 प्लांट्स यहाँ लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी जब हम चिप्स इंडिया में बनाने लगेंगे ना तो उससे दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनने लगेंगे। अगर हम अपना प्रोडक्शन, हम अपनी मैन्युफैक्चर करेंगे उसका क्या पोटेंशियल है? मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स होंगी। मिसाल दीजिए। जैसे लोग एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसमें अपने कॉम्पोनेंट्स लगा रहे हैं जी, उसकी एक जॉब है जी। दूसरा, आप प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर हैं, उसकी एक जॉब है। एक टेस्टिंग की जॉब है कि आपने सारा कंप्यूटर बना लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद उसको टेस्ट करिए, उसकी जॉब है। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं। जो IT और सॉफ्टवेयर की जॉब्स हैं वो डिग्री वाली जॉब्स हैं, हाई एंड जॉब्स हैं। इसमें सारी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं जैसे बोला जाता है। तो उस तरह से फायदा ये होगा कि हम बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे सकेंगे। बहुत सारे लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि भाई हम एक डिग्री ले लें उससे हमें नौकरी मिल जाएगी। ये गलत सोचने का हिसाब किताब है। अगर आप उसकी जगह एक हुनर सीख लें जी। जैसे आप
टीवी रिपेयर का हुनर सीख लें या सेट टॉप इंस्टॉलेशन का हुनर सीख लें। इस तरह के हुनर सीखने से आपको नौकरी तो ज़रूर मिल ही जाएगी, उसके साथ आप नौकरी भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के लिए। ये जो आपके जो हुनर का सर्टिफिकेट होगा, क्या इसको हम डिग्री के मुकाबले में इसको जज कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए एक प्रोग्राम जो बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके अंडर NSDC एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी। उस सर्टिफिकेट से लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये हुनर इनको बहुत अच्छे से आता है जी। और दूसरा, स्टार की स्कीम तो इसके भी आगे जा रही है जी। कोई भी बंदा इस भारत देश में अगर कोई भी हुनर सीखना चाहता है, गवर्नमेंट उनको 10,000 रुपए देगी जी। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कहें कि अगर वो स्किल की ट्रेनिंग लें तो क्या उनका फ्यूचर हो सकता है जी। अगर आप आगे अपने आप को पढ़ाना चाहते हैं तो कोई ना कोई हुनर आप ज़रूर सीखिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में तो इस हुनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है इस कंट्री में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर आदमी को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स काउंसिल आपको ट्रेनिंग दे सकती है, जिससे आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे और आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हमने हिदायत दी हुई है कि आप 60% या 70% लोगों को, प्रतिशत लोगों को नौकरियां भी दिलवाएं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम सोचते हैं इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है और इससे काफ़ी नई नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। प्रिंसी, इतनी सारी बातें सुनकर देखकर मुझे मेरे आसपास की दुनिया का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, और पिछले कुछ सालों में हुए विकास ने सच में दुनिया को एक नई दिशा दी है। जी हाँ, कहीं पे भी किसी भी हालत में मीलों दूर रहते हुए भी आप अपने घर वालों के साथ लगातार कॉन्टेक्ट में बने रह सकते हैं, और 7 समुंदर पार होने के बावजूद भी माँ की ममता का सुख ले सकते हैं, या फिर ब्राजील में हो रहे फुटबॉल का मजा घर बैठे बैठे भी उठा सकते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि हम हैं सैटेलाइट जनरेशन। एब्सोल्युटली, सैटेलाइट्स ने हमारी जीवन की दूरी ही बदल दी है। जी हाँ, तो चलिए इस तिलस्मी दुनिया के नए नए आयाम को जानते हैं। DTH यानी डायरेक्ट टू होम, मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविजन। वर्षों के एक्सपेरिमेंट्स और परिश्रम के बाद आज हम इस दौर में हैं कि दुनिया जहां की खबरें घर बैठे बस उंगलियां हिला कर ले सकते हैं। ये संभव हुआ हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले मैन मेड सैटेलाइट्स के कारण। ये सैटेलाइट्स ऐसे सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं जिन्हें रिसीव करने के लिए हमारे टेलीविजन सेट के आसपास एक सेट टॉप बॉक्स होता है, जो कि इन सिग्नल्स को रिसीव करके हमें सारे प्रोग्राम्स दिखाता है। इंडिया में सैटेलाइट टेलीविजन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कुछ कंपनीज ने लोगों को रिपेयर और सर्विस में ट्रेन करना शुरू कर दिया है। उन्हीं में से एक है फनफर्स्ट। Funfirst is a company which is formed by a team of very, very passionate people who have single mission in life now. कि कैसे हम 1 million underprivileged लोगों की life बदलें। हमारी जर्नी 1.5 साल पहले चालू हुई थी, 400 से 500 बच्चों को ट्रेन किया, काफ़ी लोगों को जॉब मिली है उसमें से। सो अब जितने भी बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, सारे कोर्सेज हम उसी हिसाब से बना रहे हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है। फनफर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल रिपेयरिंग की फील्ड में एक वेल नोन नाम बन गया है। इनकी ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज भी काफी इनोवेटिव हैं। यहाँ बोरिंग लेक्चर्स और डेमोस का कोई स्थान नहीं है, उसकी जगह लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ट्रेनिंग, जो संभव है इनके सिमुलेशन बॉक्स के द्वारा। तो आइए इस फॉल्ट सिमुलेटर के बारे में जानते हैं इनके मेंटर अमित जी से। अमित जी, ये फॉल्ट सिमुलेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये समझाइए। दिस इज अ ट्रेनर जी। ओके। जो लेमैन रहते हैं ना, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए यूज होता है। इसके अंदर हम 20 तरह के फॉल्ट सिमुलेट कर सकते हैं, हार्डवेयर रिलेटेड एज वेल एज 15 तरह के सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस सिमुलेशन बॉक्स को फनफर्स्ट ने खुद डेवलप किया है और इसकी टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी किया है। इससे स्टूडेंट को मिलती है रियल लाइफ ट्रेनिंग फॉल्ट ढूंढने में और उसे सही करने में भी। देखिए, अभी ये सामने आपको दिख रहा है ना, टीवी वर्किंग दिख रहा है ना जी, है ना, इसके अंदर साउंड भी आ रहा है। ओके, इसके अंदर में कुछ स्विचेस हैं, मैं साउंड का स्विच प्रेस कर दूंगा तो इसके अंदर नो साउंड हो जाएगा सेट के अंदर। ओके। उसके बाद वी गिव दिस टास्क टू अवर ट्रेनिंग। अच्छा।
and then trainee will detect the what is the problem in that, and he will come to my trainer aur phir batata hai ki this is the problem. ट्रेनिंग से तो सारे स्टूडेंट्स बन गए हैं हुनरबाज और अब बारी आ गई है उनके हुनर को परखने की, हुनर की बाजी में। इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं टीम ए में शाहिद प्रशांत, टीम बी में गणेश बजरंग, टीम सी में राकेश अजीत और टीम डी में विक्रम दत्तात्रेय। तो हमारे इस चैलेंज को जज और एसेस करेंगे मिस्टर प्रचुर गोयल एंड मिस्टर अनिल बारी। इस टास्क में सभी टीम्स को एक डिश एंटेना असेंबल करना है जो तकनीकी रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। टीम को सभी पार्ट्स जोड़ते हुए इस तरह असेंबल करना होगा कि ये डिश एंटेना सिग्नल कैच करने के लिए रेडी हो, और इस टास्क की समय सीमा है 15 मिनट। मुझे लगता है बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, चलिए चलते हैं और इस एक्साइटमेंट को फील करते हैं। मेंटर्स चलें? चलिए चलिए। तो हुनरबाज तैयार हैं आप सब? यस सर। तो आप सबका समय शुरू होता है अब। मेंटर की कड़ी निगरानी में सभी हुनरबाज जुट गए हैं टास्क को जल्द से जल्द पूरा करने में। देखने में सीधा लगने वाला ये टास्क काफी पेचीदा हो सकता है, क्योंकि एंटेना असेंबल करने में सारे स्क्रूज, नट बोल्ट और पार्ट्स सही जगह में लगने चाहिए। तो लूज रखना थोड़ा सा। एक छोटी सी गलती कर सकती है इस डिश एंटेना को बेकार और दिखा सकती है हुनर की बाजी में हार। सही स्क्रू जरूरी है, खोना नहीं है स्क्रू। टीम डी तेजी से जीत की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन टीम सी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन ये क्या, टीम ए ने अचानक ही सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन टीम बी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। टीम ए और टीम सी में कांटे की टक्कर चल रही है और दोनों मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। चलो टाइम इज रनिंग। क्या लगता है ये 15 मिनट में अपना टास्क कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बाकी सारों का? सबका ही 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो सारे विनर हो जाएंगे फिर? तो देखना ये है कि पहले कौन करता, कितने अच्छे से कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के पास, देखते हैं वो क्या है। अरे बाप रे बाप, एक मिनट देखें। नहीं नहीं कैसे, बाकी है अभी। टीम डी ये क्या कर दिया आपने, जल्दबाजी में किया गया लूज कनेक्शन आपको डिस्क्वालिफाई ना करा दे। और मौके का फायदा उठाकर बाकी टीम्स तेजी से काम को अंजाम दे रही हैं। आपके क्या हाल है? एकदम हो गए, इन्होंने भी बना लिया। अब देखना है टीम बी अपनी गलती को सुधार कर जीत के कितने करीब पहुंच पाती है। क्या बात है, क्या बात है भाई, 15 मिनट में इतना बड़ा टास्क, मैं तो शायद 15 घंटे में भी नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स कंपटीशन हो चुका है पूरा। वैसे तो 15 मिनट में सबने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, तो आइए मेंटर्स से जानते हैं कि आज के इस कॉम्पिटिशन का विनर कौन है। मेंटर्स बताइए। सो सारे ही पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से डिश इंस्टॉल करी, असेंबल करी 15 मिनट में, पर सबसे अच्छी जो इंस्टॉल असेंबल करी है उसके विनर्स हैं विक्रम और दत्ता। क्या बात है, टीम डी कमाल कर दिया आपने। लूज कनेक्शन के बाद पिछड़ कर भी आपने बाजी मार ही ली, इसको कहते हैं असली हुनरबाज। प्रिंसी अगर जानकारी के बीज बचपन में ही बो दिए जाए ना, तो युवा होने तक एक नई तकनीक के रूप में फलते फूलते हैं। और फन फर्स्ट कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स कई सारे स्कूल्स में चलाता है। जी हाँ, जहाँ ना सिर्फ आप अपना रोबोट बना सकते हैं बल्कि उन्हें चला भी सकते हैं। मानो सबके अपने अपने रोबोट्स। बचपन में कौन होगा जिसने अपने खिलौनों को खोल कर ये देखने की कोशिश नहीं की होगी कि ये चलती कैसे है। चलने वाली कार, रोबोट, रेलगाड़ी ने हमेशा से बच्चों के मन में जिज्ञासा बढ़ाई है, और बच्चों की इसी जिज्ञासा को एक दिशा देता है फन फर्स्ट। हमारा ये मानना है कि पढ़ाई के लिए बच्चों की उस चीज में रुचि होनी
ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सीधे आऊं और उन्हें कहूं ये मॉडल बनाना है, उनकी जिज्ञासा उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाती। तो पहले हम उस जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और उसके बाद उस जिज्ञासा के लिए, उसको क्वेंच करने के लिए हम ये वर्कशॉप करवाते हैं। वर्कशॉप में बच्चों के हर सवालों का जवाब दिया जाता है और एक रोबोट की कार्य प्रणाली के बारे में सिखाकर उनसे रोबोट बनवाया भी जाता है। मुझे सबसे अच्छा चिट्टी लगता है। मुझे सबसे अच्छा रोबोट ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम लगता है। I like Transformers robots. मैं चाहूँगा कि मैं जीवन बन पाऊँ क्योंकि वो बच्चों का चरित्र है। उनका सीखना जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर टॉय खरीद के तो कोई भी ला सकता है, लेकिन टॉय काम कैसे करता है वो समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मस्ती की पाठशाला न सिर्फ उनका ज्ञान बढ़ाती है बल्कि उनकी सोच को विकसित भी करती है। उन्हें जब मैं दिखाता हूँ कि एक लाइन पे फॉलो करने वाला रोबोट बन सकता है, तब वो खुद सोचते हैं कि अच्छा तो मैं ऐसी कार बना सकता हूँ जो कि एक लाइन पे चले, ट्रैफिक जाम कभी ना हो, रेलवे जो है वो हमेशा टाइम पे चले। तो दिस इज एक्चुअली ओपनिंग अप देयर थिंकिंग प्रोसेस। ऐसा रोबोट बनाना चाहूंगा जो दुनिया की रक्षा करे। मैं ऐसे रोबोट बनाऊंगा जो ह्यूमंस के काम अच्छा कर पाए, जहाँ ह्यूमंस के लाइव्स भी नहीं जाए पर लड़ाई कर पाए। इसलिए अगर आप बच्चे को खिलौना खोलते हुए देखें तो रोकिएगा मत। आज बचकाने लगने वाली उनकी सोच ही कल का आविष्कार बनेगी। हम हैं हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। अगर लाइट नहीं हो तो एक ही कलर नजर आता है, ब्लैक। पर अगर इलेक्ट्रिसिटी हो तो लाइफ में कितने कलर आ जाते हैं। ऐसे ही पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और अब रंगीन। तो पिछले हफ्ते हमने पूछा था कि कलर टेलीविजन भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो देखते हैं किसने दिया है सही जवाब। पिछले हफ्ते का सवाल था, भारत में कलर टेलीविजन की शुरुआत किस साल में हुई थी, और सही जवाब है ऑप्शन सी, 1982 में। हमारे देश में कलर टेलीविजन सन 1982 में एशियन गेम्स के साथ आया। तब लोगों के पास सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। यूनियन कैबिनेट ने इस ऐतिहासिक पल को देखने का आनंद बढ़ाने के लिए 50,000 कलर टीवी इंपोर्ट करने का फैसला किया। इसके बाद तो टीवी देखने की पूरी रूपरेखा ही बदल गई। धीरे धीरे टीवी की रंगीन तस्वीरों ने लोगों के दिलों के साथ साथ घरों में भी जगह बना ली। अनेक परिवर्तनों से गुजरते हुए टीवी में हम आज न केवल हाई डेफिनेशन पिक्चर देख सकते हैं बल्कि स्मार्ट टीवी में इंटरनेट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आज टीवी सिर्फ मनोरंजन का साधन न रहकर हमको देश दुनिया की जानकारी भी देता है। ये कहना बेमानी न होगा कि आज टीवी के बगैर जिंदगी अधूरी है। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर है फरीदाबाद की सुरभि शर्मा, जो हमें लिखती हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, हुनरबाज देखकर अपने बेटे को जब मोटिवेटेड देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा अनोखा प्रोग्राम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। साथ ही सांगली महाराष्ट्र से फ्लोरा डिसूजा लिखती है, यह शो लोगों को नए नए करियर के बारे में ही नहीं बताता बल्कि प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं यह भी बताता है। हुनरबाज उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही राह खोज रहे हैं। क्या आप जानती हैं कि रिलैक्स होते हुए भी हम एक्टिव होते हैं? ये क्या बात हुई? अरे, आपको पता है इंसान आराम करते समय भी ऊर्जा पैदा करता है। ऊर्जा पर कितनी? इस हफ्ते का सवाल है, एक सामान्य मनुष्य आराम की स्थिति में कितने वॉट्स की ऊर्जा का उत्पादन करता है, और आपके ऑप्शंस हैं ए 2222 वॉट, बी 5500 वॉट, सी 100 वॉट। बिल्कुल चमत्कार ही तो है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हिंट तो दिया ही नहीं बल्कि एक और पहेली दे दी। रेणुका जी, उस पहेली में ही हिंट छुपा हुआ है। अक्कड़ बक्कड़। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 15 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं
और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। साथ ही अपने जवाब के साथ अपना फोटो ईमेल करना न भूलें और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हुनर संबंधित जानकारी के लिए 0880055555 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपको वापस कॉल करके आपकी क्वेरी का जवाब देगा और साथ ही कोर्सेज संबंधित जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन की फील्ड को ऐसे एडवांस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां पे आगे का रास्ता आसान होता दिख रहा है, और इस काम को आसान बनाने में बायरैक अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है। लीड इन्वेंट ने भी बायरैक के सपोर्ट से एक नायाब कारनामा कर दिखाया है। हम एक ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से एक ताले की चाबी के लिए एक चाबी वाला अलग अलग चाबियों को हल्का हल्का चेंज करके उस ताले में फिट करने की कोशिश करता है, और जब तक फिट नहीं होता तब तक चाबी नहीं बनती है, हम कुछ उसी तरह की चीज मेडिकल साइंस के लिए कर रहे हैं। जो बीमारी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से होती है, किसी एक तत्व की वजह से होती है। अगर उस तत्व को मैं एक ताला मान लूँ तो वो दवाई जो उस तत्व को ब्लॉक करेगी, उसको रोक देगी उतनी जगह पे, उसको मैं एक चाबी मान सकता हूँ। लीड इन्वेंट बीमारी को एक ताले की तरह देखता है और कोशिश करता है उसकी एक परफेक्ट चाबी ढूंढने की जिससे वो ताला खुल जाए। लेकिन काम तब मुश्किल हो जाता है जब आपके सामने हजारों लाखों चाबियों का गुच्छा हो और आपको उनमें से एक सही चाबी ढूंढ निकालनी हो, यानी बीमारी का एकदम सही इलाज ढूंढना, और उस वक्त इसमें इन्वॉल्व होती है टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स को यूज करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को धीरे धीरे उससे इस तत्व से जोड़ने के लिए। सो ये है हमारा मेजर काम जो हम लीडमेंट में करते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे हैं जो कि हमें करोड़ों करोड़ों चाबियों को इस तालों पर लगा कर देख सकते हैं किससे हमें बीमारी की इलाज के लिए कुछ शुरुआती दवाइयों के बारे में इनपुट्स मिले। पर इस काम को और आसान और पॉसिबल बना देता है इनका बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर। इसके अंदर करीब करीब 700 से 800 मशीन एक साथ 24 घंटे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। सुपर कंप्यूटर अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करके सही कॉम्बिनेशन को बहुत ही कम समय में ढूंढ लेता है, जिसे अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से ढूंढने की कोशिश करें तो कई साल लग जाएंगे। आशा करते हैं जो हमने साइंस करी है कल को चल के किसी पेशेंट की टाइम या उसकी हेल्थ के लिए उसको बेनिफिट दे, एंड अगर हमने उतना कर लिया आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर टास्क। जैसे हवा, पानी और रोशनी से जिंदगी पनपती है, वैसे ही टेक्नोलॉजी से जिंदगी बढ़ती है। जी हाँ, आज हमने देखा कि किस तरह हमारी जिंदगी बिजली और उससे जुड़े हुए हर गैजेट से किस तरीके से प्रभावित होती है। हुनर की ऐसी ही कई और रंगीन कहानियों के साथ हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते। जी हाँ, तब तक के लिए खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मौसम का मजा लीजिए, है ना? बिल्कुल। अगले हफ्ते जानिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की स्किल और एबिलिटी, साथ ही इस सेक्टर के मौके और कैपेबिलिटी के बारे में। सक्सेस होने के लिए किसी की मोनोपोली की जरूरत नहीं है, अपने आप को बनाने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। और हुनर की बाजी ने रुला दिया कंटेस्टेंट्स को। आई थिंक द सर्विस इज सो पुअर, आप इस तरीके का सर्विस देते हैं। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। यहां से रेणुका जी से चाहिए या दोबारा वर्ष से? ऐसे सॉरी यानी संचार की। यहाँ से रेणुका जी से चाहिए या दोबारा वर्ष से? हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय हार्डवर्क ग्लिसरीन।